फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। आज की वीडियो हमारी विनाइल केमिकल लिमिटेड पे, जो कि एक केमिकल स्टॉक है। सो गाइस, आज के दिन इसने 4.99% का रिटर्न तो दिया, बट ये प्राइस एक ही अमाउंट पे कंसोलिडेट ही होता रहा। तो अब आप ऑलमोस्ट आप ये देख सकते हो कि जब से मार्केट ओपन हुई थी उसके बाद से सेम प्राइस पे ही कंसोलिडेट होता रहा है, उसी पे ही एंड हुआ है। सो गाइस, जैसे कि प्रीवियस क्लोज उसका 5.43 था, तो उससे तो ये बढ़कर ही क्लोज हुआ है। पिछले 5 दिन में इसमें गिरा थोड़ा सा, 0.80% तक का देखने को मिला, ज्यादा कुछ नहीं दिया। 1 मंथ में 2.44% की गिरावट देखने को मिली। लेकिन इस पिछले 5 साल का परफॉर्मेंस देखें तो अच्छा है, जो कि 596% की इसने रिटर्न दिया है। मतलब आप ऑलमोस्ट कह सकते हो 600 के अराउंड इसने रिटर्न दिया, जो कि बहुत ही अच्छा शानदार देखने को मिलता है। गाइस, जो विनाइल केमिकल कंपनी का मार्केट कैपिटल ज़्यादा बड़ा नहीं है, 1051 करोड़ का ही है बस। एंड इसका हाई दे सकते हो 952 एंड लो 211, एंड डिविडेंड भी देती है कंपनी 0.87% तक का दिया हुआ है। गाइस, बुक वैल्यू 53 रुपीज़ की है, फेस वैल्यू 1 रुपीज़ की। आर ओ 41 है, आर ओ सी 57 जो कि 54 है, जो कि देखने में बहुत अच्छा लगता है। एंड प्रॉफिट ग्रोथ भी 150% है, जो कि बहुत ही अच्छी है। इंडस्ट्री का पी अच्छा है गाइस, 30 है। एंड इंस्टिंक्ट वैल्यू 471 है, जो कि ये भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। गाइस, वहीं बात करें तो कंपनी के कॉन्स कुछ ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा आपको इसका बुक वैल्यू के अकॉर्डिंगली है। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 10.7 times इट्स बुक वैल्यू कह सकते हो। देखो, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है एंड एक्सपेक्टेड टू गिव क्वार्टर्स एंड डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ सीजीआर, जो कि बहुत अच्छा देती है। एंड कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट 57.3% तक का। गाइस, बात करें जो इस क्वार्टर में सेल हुई 324 करोड़ की हुई है, एंड एक्सपेंस 311 करोड़ का। इस सेल्स काफ़ी ग्रोथ का सेल ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा कमाया कंपनी ने 13 करोड़ का। एंड गाइस, नेट प्रॉफिट में थोड़ी सी कमी देखने को मिली है, 10 करोड़ का ही हुआ है, बट ऑलमोस्ट कंपनी प्रॉफिट में रही है। गाइस, अगर हम इसकी सीजीआर की बात करें ना, तो काफ़ी अच्छे से कंपाउंडिंग आप कह सकते हो ग्रोथ दिया है। जैसे कि आप देख रहे हो, पिछले 10 साल में 50% का, फिर 5 साल में 47% का, 3 साल में 103 और 1 साल में 111। मतलब गाइस, ऑलमोस्ट बड़ा ही है इसका सीएजीआर। एंड इक्विटी, रिटर्न ऑफ इक्विटी भी आप कह सकते हो 10 ईयर में इतना था, फिर इतना ही था, बढ़कर 41% तक बड़ा ही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में गाइस अगर हम देखें तो गाइस, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए 50 जो कि प्रमोटर की होल्डिंग वैसी की वैसी बनी, थोड़ी सी कम हुई है। मतलब कह सकते हो स्क्वायर अप करा है कहीं ना कहीं, तभी तो गाइस देखिए FIS की होल्डिंग बढ़ी है। एंड DIS ने अपनी होल्डिंग जो उसकी 0.01 थी, जो कि कम करी है। एंड कह सकते हो पब्लिक की भी होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई है गाइस, लेकिन ऑलमोस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है गाइस। वही मैं अगर ट्रेडिंग में पे बात को देखिए इस कंपनी में, जो कि गाइस अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि अभी अगर आपके पास है ये स्टॉक तो होल्ड करके रखो, मैं ये बोलूँगी। अगर नहीं है तो आप अभी वेट करें एंट्री लेने के लिए। सो गाइस, बाकी गाइस आप लोगों को डिपेंड करता है गाइस। अगर आप इस कंपनी का स्टॉप लॉस पूछोगे तो गाइस मैं आप लोगों को बताऊंगी स्टॉप लॉस कम से कम इसका 533 या 532 के अराउंड आप कह सकते हैं। कि आप देख सकते हो ये वाला जो है इसका, तो आप इसका 521-522 करके आप स्टॉप लॉस ले सकते हो, ठीक है गाइस। बाकी गाइस आप खुद से थोड़ा सा स्टडी करें, चेक करें, देन इन्वेस्ट करें, क्योंकि मैं हर बार आप लोग बोलती हूँ, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लें। सो गाइस, आज की वीडियो थी वो एजुकेशन पर्पज से थी। सो कोई इन्फ्लुएंसिंग फोर्स नहीं है इस स्टॉक के लिए, डिपेंड सब कुछ आप लोगों पे करते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।